बच्चों, आप अपने चारों ओर प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए जितने भी जो जैव और अजैव तत्व हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार है, झीलें हैं, बहता हुआ जल है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, विभिन्न प्रकार का जो जैव जगत मिलता है हमारी पृथ्वी पर, ये सभी जो जैव और अजैव तत्व हैं, ये प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं और इन्हें हम प्राकृतिक संपदा के नाम से जानते हैं। हमारी पूरी पृथ्वी पर ये जो प्राकृतिक संपदा है, ये अथाह है। और जब इस प्राकृतिक संपदा को मनुष्य अपने उपभोग या उपयोग के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाता है, तब ये जो प्राकृतिक संपदा है वो प्राकृतिक संसाधन का रूप ले लेती है। इसमें ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कि जो जैव और अजैव तत्व जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, ये सभी तभी संसाधन का रूप लेंगे जब ये मनुष्य के किसी न किसी रूप में उपयोग में लाए जाएंगे। तो मनुष्य इन्हें उपयोग में तब लाएगा, या हम ये कहें कि ये जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, ये मनुष्य के द्वारा उपयोग में मनुष्य के द्वारा ही लाई जाती हैं या बनाई जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जितने भी जो हमारी पृथ्वी पर मिल रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा, हम कह सकते हैं, लगनशील, परिश्रमशील, विवेकशील प्राणी है जो धरातल पर जितनी भी संपदाएं मिल रही हैं उन सभी को संसाधन के रूप में बदलता है। संसाधन तो प्राचीन काल से ही विद्यमान है, तो संसाधन के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति, मनुष्य और मनुष्य के द्वारा लाई गई जो प्रौद्योगिकी या हम तकनीक की जब बात करते हैं, तो ये तीनों का प्रतिफल हम संसाधन के रूप में देखते हैं। वो कैसे? प्रकृति में जितने भी जैव और अजैव तत्व मिल रहे हैं, उन सभी तत्वों को मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके गुणों में, उनमें शोधन करके, या हम ये कहें कि उसमें परिवर्तन करके, उसके गुणों में परिवर्तन करके अपनी आवश्यकता के अनुरूप बना लेता है। और ये अपनी आवश्यकता के अनुरूप ढालने के लिए, या हम ये कहें कि उन तत्वों के गुणों में परिवर्तन करने के लिए, उन्हें परिष्कृत करने के लिए, वो अलग अलग प्रकार की तकनीकी या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। तो हो गई ना, ये तीनों ही चीज़ों का प्रतिफल के रूप में हम देखें कि प्रकृति, मनुष्य और प्रौद्योगिकी, ये तीनों का प्रतिफल जो है वो हमें संसाधन के रूप में देखने को मिलता है। हाँ, ये संसाधन की संकल्पना शुरुआत कब से हुई, या हम ये कहें कि कब से ये संकल्पना जो है वो मनुष्य के दिमाग में आई, तो प्राचीन काल से ही हम देखेंगे कि जब से मनुष्य इस धरातल पर जन्म हुआ है मनुष्य का, तब से लेकर आज तक, तब तो प्राचीन काल में मानव की जो आवश्यकताएं थी वो बहुत सीमित थी। ऐसा नहीं है कि तब हमारे धरातल पर या हमारी पृथ्वी पर संसाधन जो है वो उपस्थित नहीं थे। संसाधन तो तब भी उपस्थित थे, लेकिन तब मानव की आवश्यकताएं सीमित थी, और जब उसकी आवश्यकताएं सीमित थी तो उन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए वो कभी दिमाग में उसके विचार ही नहीं आता था कि उसमें, उसके गुणों में वो कुछ परिवर्तन करे। इसलिए तब संसाधन की संकल्पना ने जन्म नहीं लिया था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, तो मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वो भी बढ़ती गई, और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो वो जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं अलग अलग प्रकार की, उन्हें संसाधन के रूप में परिवर्तित करता चला गया। जैसे हम उदाहरण से इसे समझ सकते हैं, कोयला और पेट्रोलियम तो तब भी पृथ्वी के गर्भ में थे, लेकिन तब मनुष्य की आवश्यकता नहीं थी, तो उसने उसे नहीं ढूंढा था, या उसके रूप में परिवर्तन नहीं किया था इन खनिजों के।
लेकिन जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई तो उसने इनकी खोज की और उसे अपने आवश्यकता के अनुरूप ढाल लिया या बना लिया। ठीक उसी प्रकार हम ये देखेंगे कि बहता हुआ जल जो है वो तो प्राचीन समय में भी हमारे धरातल पर था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तब बहते हुए जल में या नदियों के जल में विद्युत उत्पन्न करने की शक्ति नहीं थी। विद्युत उत्पन्न करने की शक्ति तो तब भी उन नदियों में थी, लेकिन मनुष्य ने उतना अपनी तकनीक का विकास नहीं किया था और उसे ये ज्ञान नहीं था कि इस बहते हुए जल से वो ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, विद्युत उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अब वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि वो इस बहते हुए जल का भी उपयोग करके, जलप्रपात से गिरते हुए जल का उपयोग करके उस पर टरबाइन चलाकर वो आज वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन कर रहा है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई है। जो संसाधन इस धरातल पर मिल रहे हैं उससे उस विद्युत की जो आपूर्ति है वो उसकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, उसे और अधिक की आवश्यकता है, तो इसलिए उसने बहते हुए जल से भी विद्युत उत्पादन करना सीख लिया। या हम ये कहें कि जो अथाह सागरीय जल जो है हमारा, उसमें उठने वाली जो ऊंची ऊंची लहरें हैं, ज्वारीय तरंगे हैं, उससे भी उसने विद्युत उत्पादन, ऊर्जा उत्पन्न करना सीख लिया है, अपनी ज्ञान और तकनीक का इतना विकास कर लिया है। तो हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि अब वर्तमान समय में पृथ्वी पर कोई भी ऐसी जो हम जैव तत्व या फिर से अजैव तत्व की बात करें, जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं उपस्थित हैं हमारे धरातल पर, उसमें से कुछ भी ऐसा अछूता नहीं रह गया है जिसे मनुष्य ने संसाधन के रूप में परिवर्तित ना कर लिया हो। तो हम फिर से देखते हैं कि जो संसाधन है वो संसाधन तभी बनेगा जब वो किसी न किसी रूप में मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो ये प्रकृति, प्रौद्योगिकी और मनुष्य तीनों की प्रतिक्रियाओं का प्रतिफल है संसाधन। अब हम आइए थोड़ा इन संसाधनों के वर्गीकरण को देख लेते हैं। संसाधन भी जो है वो हमारे पृथ्वी के धरातल पर सभी जगह एक समान रूप में नहीं मिलते हैं। कोई संसाधन जो है, कोई खनिज संसाधन किसी स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में, कहीं पर कम, तो कहीं पर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। तो आइए इसी आधार पर हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। सामान्य रूप में हम जो संसाधन का वर्गीकरण देखते हैं तो दो रूप में हम इसे करते हैं, पहला जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जैसे आपकी वनस्पतियां हो गई, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हो गए, उससे मिलने वाली उनकी जो खाल है, दूध है, ये सारे जो प्रोडक्ट उनसे मिल रहे हैं वो भी इस जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम अजैविक संसाधन की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हमारे धरातल के गर्भ में छिपे हुए विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं वो हो गए बहता हुआ जल, भूमिगत जल, सागरीय तरंगे, ये सभी जो हैं वो अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब अभी जो हमने बात की थी कि कहीं पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में, कहीं पर कम, कोई संसाधन जो है वो हमें इजीली मिल जाता है और कहीं वो दुर्लभ रूप में मिलता है, तो इन आधार पर ही संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। तो उसे हम कहते हैं सुलभता के दृष्टिकोण से किया गया वर्गीकरण। तो इसमें हम पहले देखते हैं सर्व सुलभ, उसके बाद सामान्य सुलभ है, फिर विरल है और एकल है। सर्व सुलभ मतलब जो संसाधन सभी जगह प्राप्त हो रहे हैं, वनस्पतियां हैं, या हम ये कह सकते हैं जल, या हमारी भूमि धरातल, ये सभी सर्व सुलभ हैं, हर स्थान पर आपको मिलेंगे। सामान्य सुलभ की बात करेंगे तो सामान्य सुलभ में जो जनरली सभी जगह हमें प्राप्त हो जाते हैं, इसमें भी आपके आ जाते हैं कुछ खनिज संसाधन हैं, जैसे लौह अयस्क की हम बात करेंगे, या हम कोयले की बात कर लें,
ये सभी जो हैं, या जीव जंतुओं की बात करेंगे तो ये हमें सामान्य सुलभ संसाधन के अंतर्गत आते हैं। विरल संसाधन ऐसे होंगे जो बहुत कम स्थानों पर हमें प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया। अब एकल संसाधन की जब हम बात करेंगे तो ऐसे संसाधन जो कुछ एकाद स्थानों पर ही मिलते हैं बहुत कम मात्रा में, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये बहुत विरल और एकल रूप में ही हमें प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से, जो संसाधन उपयोग किए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। प्रयोग की दृष्टि के आधार पर हम देखेंगे तो संसाधनों का वर्गीकरण, पहला अनुप्रयुक्त संसाधन, फिर अनुपयोगी संसाधन, फिर जो संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन के रूप में हम इसका वर्गीकरण करते हैं। फिर संसाधनों की प्रकृति और उसकी उपयोगिता की दृष्टि से उसका जो वर्गीकरण किया गया है वो दो आधार पर है, पहला समाप्य संसाधन और दूसरा असमाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो कुछ समय तक उपयोग किए जाने के बाद, या हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसका उपयोग करें तो एक समय के बाद वो संसाधन जो हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और ख़त्म हो जाएंगे, हमारे धरातल पर उपलब्ध नहीं होंगे। जैसे पेट्रोलियम, हम अधिकतर बात करते हैं सेव पेट्रोल की, है ना, ये सीमित मात्रा में हमारे धरातल पर उपलब्ध है। अगर हम इसका अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो एक समय के बाद हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये संसाधन जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अब इसमें भी आपके कुछ नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, मतलब जिन्हें फिर से उपयोग के बाद रिसाइकल करके उपयोग के लायक बनाया जा सकता है, और अनवीकरणीय मतलब ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग किए जाने के बाद दूसरी बार उपयोग करने के लायक नहीं रहते। अब असमाप्य संसाधन की जब हम बात करेंगे तो जैसे हमारा जल है, जल का एक चक्र बनता है या एक चक्र चलता है, जैसे धरातल पर जितने भी जो जल की सोर्स हैं, स्रोत हैं, जैसे हम भूमिगत जल की बात करें, अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के सागर हैं हमारे यहाँ, नदियाँ हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, इन सभी से वाष्पीकरण होकर जल जो है वाष्प बनकर ऊपर की तरफ जाता है और बादल बनकर फिर से जल की बूंदों के रूप में ये धरातल पर आकर गिरता है। तो इसका एक चक्र चलता है। तो ये जो है जल हमारा असमाप्य संसाधन है, सूर्य का प्रकाश है ना, वायु, तो ये सब जो है वो असमाप्य संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण रूप से जो हमारा धरातल है, या हम ये कहें कि सभी संसाधन, या जो भी हम अपनी प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं, नगरीकरण वर्तमान में उसका जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इन सभी में जो सबसे प्रमुख योगदान है हमारी भूमि। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जो हमारा अजैव तत्व भूमि संसाधन है इस पर हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। बच्चों, आप अपने चारों ओर भूमि के जो अलग अलग उपयोग हैं, भू संसाधन है ना, तो भू या भूमि, या हम उसी को धरातल कह सकते हैं, तो इस भूमि के अलग अलग उपयोग देखते हैं। जैसे आप जहाँ पढ़ने जाते हैं, आपकी पाठशाला, आप जिस घर में रहते हैं तो वो आपका जो आवास है, आप जहाँ पर खेलने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो वो आपका उद्यान, या आपके द्वारा अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें उपयोग की जाती हैं वो किसी न किसी फैक्ट्री में बन रही हैं, है ना, आपका चेयर हो गया, टीवी जो है आप देख रहे हैं, बर्तन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा की चीज़ों में, ये सभी, तो हम उसकी बात करेंगे। तो ये उद्योग, ये फैक्ट्रियाँ या उद्योग किसी न किसी भूमि पर स्थापित हैं, या आप जो रोज़ खाना खाते हैं तो वो अनाज या फसल जो है वो किसी न किसी भूमि पर उत्पादित की जाती है। तो हम अपने आसपास भूमि के अलग अलग प्रकार के उपयोग देखते हैं,
चाहे वो आवास के रूप में हो या फिर उद्योग के रूप में हो, कृषि भूमि के रूप में हो, या फिर अन्य प्रकार की जो उत्पादन या सेवा कार्यों में लगी भूमि हो। तो इतने सारे भूमि के उपयोग होते हैं, इस पर हम आगे अब जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने ये जो कहा भूमि के अलग अलग उपयोग हैं, तो क्या आपको पता है कि ये भूमि उपयोग से संबंधित जो आंकड़े हैं वो हमें किन से प्राप्त होते हैं? आपने नाम सुना ही होगा, भू राजस्व विभाग या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ये भू राजस्व विभाग जो है वो हमारी भूमि उपयोग से संबंधित जो जानकारी है वो हमें उपलब्ध कराता है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे भारत में जो पूरी उसका उसकी जो प्रशासनिक इकाई है या क्षेत्रफल है, इसकी जानकारी हमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है प्राप्त होती है। और हम सभी को मालूम है कि हमारे पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो जानकारी है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका उपलब्ध कराता है, जो हमने बात की 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इसके अंतर्गत भी जितनी भी प्रशासनिक इकाइयां हैं और उसके क्षेत्रफल से संबंधित जो जानकारी है। तो जब हम प्रशासनिक इकाई की बात कर रहे हैं तो इसमें हम किसे शामिल कर रहे हैं? जैसे हमारे राज्यों की सीमाएं या उसका क्षेत्रफल, जिले की जो सीमाएं हैं या उनके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये सभी जानकारी जो है वो हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग उपलब्ध कराता है। और इसके द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है या जिस क्षेत्रफल की जानकारी दी जा रही है वो स्थायी होती है, ना कि अस्थायी। जितना हमारा क्षेत्रफल है वो तो स्थिर है, उसमें कोई चेंज या कोई बदलाव जो है वो नहीं आएगा। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जितना जो क्षेत्रफल हमने बात किया 32,87,263, इसमें भी हमें लगभग 93% जो भूभाग की जानकारी या उससे संबंधित क्षेत्रफल की जानकारी हमारे पास उपलब्ध है या भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास यह जानकारी है। तो बाकी आप कहेंगे कि जो 7% है वो कहाँ गया? तो इस 7% में जो हमारा पूरा पूर्वोत्तर राज्य है, उनकी जो हम बात करते हैं घना वनाच्छादित या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है या POK है ना, पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है, जिसके उपयोग या उसके क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी हमारे पास नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि भू राजस्व विभाग हमें जो जानकारी उपलब्ध कराता है उसे हम 9 भागों में वर्गीकृत करते हैं। 9 प्रकार के भूमि उपयोग में हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमें भूमि उपयोग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है, ये स्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है या परिवर्तनशील होता है। जैसे कि आज कोई जो भूमि कृषि जहाँ पर की जा रही है, हो सकता है कि कल हम वहाँ पर देखेंगे कि कोई बड़ा आवासीय क्षेत्र जो है वो विकसित कर लिया गया हो या कोई एक बड़ा उद्योग जो है वो स्थापित कर लिया गया हो, या हम आज वर्तमान समय में देखते हैं कि कोई बड़े क्षेत्र में एक बंजर और व्यर्थ भूमि खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ समय के बाद हम देखेंगे तो उसे कृषि योग्य बना लिया गया हो या गैर कृषि कार्यों में उसका उपयोग किया जा रहा हो। तो भूमि उपयोग से संबंधित आंकड़े जो भू राजस्व विभाग हमें उपलब्ध कराता है ये परिवर्तनशील होता है, समय के साथ इसमें बदलाव जो है वो होते रहते हैं। अब हम ये भूमि उपयोग का जो वर्गीकरण है उसके विषय में बात करते हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे, पहला जो है वो वन, या हम इसे वन के अधीन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया जो है ये भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वो क्षेत्र शामिल होते हैं जिसे हम वर्गीकृत वन क्षेत्र कह रहे हैं। वर्गीकृत वन क्षेत्र से तात्पर्य होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ पर
जो वन के लिए भूमि चिन्हांकित की गई है। जरूरी नहीं है कि हम वास्तविक रूप में वहाँ जाएं तो हमें वहाँ पर वन जो है वो उपलब्ध हो, वहाँ पर वन हो भी सकता है, वन का क्षेत्र, या हम ये कहें कि वहाँ पर वनस्पतियाँ हमें मिलेंगे भी, या हो भी सकता है कि सिर्फ चिन्हांकन करके उसे छोड़ दिया गया हो, ना मिले। लेकिन ये सारी जो भूमि है, सारा जो क्षेत्रफल है, वो हमारे वर्गीकृत वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है और भू राजस्व विभाग ने इसे वन के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं, बंजर और व्यर्थ भूमि। बंजर और व्यर्थ भूमि इस वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि ऐसी भूमियाँ जहाँ पर कृषि का जो कार्य है, कृषि कार्य करना संभव नहीं होता है, वो भूमि जो है वो कृषि के अनुकूल नहीं है। जैसे हम अपने भारत में देख सकते हैं कि जो दुर्गम पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, या मरुस्थलीय क्षेत्र है, या महाखड्ड वाले जो क्षेत्र हैं, दलदली क्षेत्र की हम बात करेंगे, तो ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे परंपरागत तरीके हैं उनके आधार पर हम इस भूमि को कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो फिर से आगे आने वाले समय में हम उसे इतना बढ़ा लें कि इन भूमियों को हम कृषि के योग्य बना पाएँ, लेकिन वर्तमान समय में परंपरागत तरीके से हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी भूमियाँ जो हैं वो बंजर और व्यर्थ भूमि के अंतर्गत शामिल होती हैं। फिर तीसरा नंबर हम देखते हैं, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि मतलब ऐसी भूमि जो कृषि को छोड़कर अन्य कार्यों में सम्मिलित होती है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, या हम ये कहें कि जहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित हैं, या जो आवासीय क्षेत्र हैं, ये सभी जो भूमियाँ हैं वो गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत प्रयुक्त भूमि में शामिल की जाती है। फिर है आपका नेक्स्ट, स्थाई चारागाह भूमि। स्थाई चारागाह भूमि जो है ये ऐसी भूमि होती है जिसमें निजी स्वामित्व का जो प्रतिशत है वो बहुत कम होता है, और इसमें अधिकतर हम सामुदायिक रूप में या सरकार का जो स्वामित्व है वो इन भूमियों में होता है। ग्रामीण अंचल के जो बच्चे होते हैं वो इसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपके गांव के बाहरी क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा जो चारागाह है, या खाली भूमि जहां पर घास उगी होती है, और जो भूमिहीन, विशेषकर जो भूमिहीन कृषक होते हैं, वो वहां पर अपने पशुओं को ले जाते हैं चारा खिलाने के लिए। या अगर वहां पर अधिक वनस्पतियां हैं तो ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठी करने या चारा इकट्ठी करने के लिए वहां पर जाते हैं। ये ऐसी भूमि होती है जहाँ पर सरकार का, या हम ये कहें कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत का अधिकार होता है, और उस क्षेत्र में इसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। ये हो गई स्थाई चारागाह भूमि। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत जो भूमि शामिल होती है, ये ऐसी भूमि है जहाँ पर किसी भी प्रकार की फसलें जो है वो अनाज से संबंधित फसलें उत्पन्न नहीं की जाएंगी। हम इनके अंतर्गत उद्यानों की बात कर सकते हैं, या जो फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं, ये सभी भूमियाँ इसके अंतर्गत, इस वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल होती हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसके अंतर्गत ऐसी भूमियाँ शामिल होंगी जो कृषि के योग्य तो हैं, वहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता है, या हम ये कहें कि वर्तमान समय में जो उसका उपजाऊपन है उस भूमि का, वो उतना अच्छा नहीं है कि उसमें हमें अधिक उपज जो है, अच्छी उपज प्राप्त हो, लेकिन वहाँ पर हम अपनी जो तकनीक है या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, जैसे अच्छी खाद हो गई, बीजों की हम बात करें तो ये सभी उर्वरकों का प्रयोग करके वहाँ पर हम उस भूमि को अच्छी उपज के लायक बना सकते हैं।
लेकिन वर्तमान समय में वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं ली जा रही है या वो कृषि कार्य में उपयोग नहीं हो रही है, तो ऐसी भूमि को हम कृषि योग्य लेकिन व्यर्थ भूमि के नाम से जानते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको समय में विशेष ध्यान देना होगा, ये भूमियाँ जो परती छोड़ी जाती हैं या हम ये कहें कि खाली छोड़ी जा रही है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं हो रहा है, तो ये समय लगभग 5 वर्ष या उससे अधिक का समय होना चाहिए, तब हम उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में शामिल करते हैं। कई किसान या जो कृषक हैं वो इसलिए भी ऐसा करते हैं, जब उन्हें अपनी ज़मीन को बेचना होता है तो वो 5 साल तक उसमें किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं लेते हैं और उसके बाद फिर वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के अंतर्गत शामिल हो जाता है और वो उसे बेच सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पुरातन परती भूमि। पुरातन परती भूमि ऐसी भूमियाँ जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक परती छोड़ी जाती हैं, उसे हम पुरातन परती भूमि के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब ये परती भूमि की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम 2 वर्गीकरण देख रहे हैं, पुरातन परती और दूसरा है वर्तमान परती। तो पुरातन परती भूमि में हमने देखा कि 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कृषि कार्य ना किया जा रहा हो, वो ऐसी ही खाली छोड़ दी गई हो, तो उसे हम पुरातन परती भूमि में शामिल करते हैं। और वर्तमान परती भूमि के अंतर्गत हम ऐसी भूमियों को शामिल करते हैं जहाँ पर 1 कृषि वर्ष या हम 1 वर्ष से कम समय तक वो भूमि जो है वो ऐसी ही खाली छोड़ दी गई हो, परती छोड़ दी गई हो, तो उसे हम वर्तमान परती भूमि कहते हैं। हमारे भारत में हम ये कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक प्रचलन है, जब अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कहीं पर 1 फसल ली जाती है, कहीं 2 फसल ली जाती है, कहीं वर्ष में 3 फसल ली जाती है, मतलब एक बार कृषक जो है वो रबी की फसल लिए, फिर खरीफ फसल लगा दिए, फिर जायद की फसल लगा देते हैं, तो ये तीनों फसलें जब वो लेते हैं और लगातार कई वर्षों तक वो ये फसल उस भूमि पर लगा रहे हैं, तो बार बार फसलों के लगाने से उस भूमि का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। तो भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए वो 1 वर्ष या 1 कृषि वर्ष तक उस भूमि को परती छोड़ देते हैं, तो इसे हम वर्तमान परती भूमि कहते हैं।